हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरलीन एंड वेलकम टू आवर शो वीडियो टॉकीज। और आज मेरे साथ कौन है आप देखिए, जो आप आजकल महाभारत देख रहे हैं, जो शो आ रहा है बहुत पसंद किया जाता है इनको, हमारे शकुनी मामा। तो आई वेलकम गूफी पैंथर जी। थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल। How are you, everybody? Dr. Arlene, thank you very much for inviting me here. Though it has taken a long time for us to, get in touch right now. All these applications, because lockdown mein ye ho raha hai ki, like we are using applications, hum log abhi is waqt technology ka use kar rahe hain. Aamne saamne baat nahi ho pa rahi hai, but it's like aap sabse mil paayenge is application ke zariye. It is a wonder of this modern world ke hum log ek dusre ke itne dur rehkar bhi aur lockdown mein rehke bhi hum ek dusre ke sath nazdeek hote hain. This is something good, you know. Yeah, hukum, aapke bare mein batane ki zarurat nahi hai sabko, but fir bhi main ek chhota sa introduction to aapka dungi hi, because abhi bhi sab aapko dekh rahe hain live aur bahut pasand kar rahe hain, bahut like aapko, aapki to bahut fan following hai, aapke aise audience hai jo aapko dekhna chahte hain. Ho sakta hai thoda sa ek wo jo negative character aaya hai aapko, kai log bolte ho, but I know aap dil se aise nahi hai, main aapko mil chuki hu, bahut sweet hai aap. So aapke bare mein jo main sabko batati hu, like you did your schooling from Delhi DPS, aap Delhi se hain and you belong to Sikh family. Yes. आपके फादर चाहते थे कि आप इंजीनियर बने और आपने इंजीनियरिंग भी किया, और उसके बाद आपके ब्रदर आए इंडस्ट्री में, पहले उनको ब्रेक मिला, देन यू जॉइंड एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन महाभारत. यस यस. हाँ, और उसके बाद आपको शकुनी मामा का रोल मिला. इट वाज लाइक एक बहुत डिफरेंट है कि आपने एज असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया एंड देन यू गॉट दिस रोल. तो लाइक आपको तो मैंने आपका जब पढ़ा है, जो आपके बारे में आपसे बात हुई है, तो आप बचपन से आपको एंटरटेनमेंट मीडिया से बहुत कनेक्शन था, लाइक आप बचपन से ही आई थिंक आना चाहते थे इंडस्ट्री में. आप बताइए अपने बारे में, आप अपनी स्टोरी बताइए. हाँ जी, ऐसा है कि हमारे जमाने में, जब जिस सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ, आई मीन आई एम एंशिएंट नाउ, हेरिटेज है, संभाल लो हम लोगों को. तो उस जमाने में क्या होता था कि वर्ल्ड वाज नॉट सो मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजी वाज नॉट सो एडवांस्ड एज यू पीपल आर गेटिंग नाउडेज. तो आईटी तो कुछ था ही नहीं. तो 5-7 टोटल प्रोफेशंस होते थे जिसमें के माँ बाप भेज देते थे बच्चों को जबरदस्ती, चाहे उनका दिल हो ना हो. अनलाइक यू नो आज पेरेंट्स यू नो दे सी द एप्टीट्यूड ऑफ द किड्स, यू नो, फिर उनको वैसे ही उस तरफ भेजते हैं. तो उस जमाने में हमारे डैड ने सोचा कि यार, मैंने सोचा हुआ तू इंजीनियर बन जाए, चलो इंजीनियरिंग जबरदस्ती, जहां मेरा कोई मतलब स्यापा ही सी मेरे वास्ते, इट वाज नॉट अ गुड थिंग. तो इंजीनियर उन्होंने भेज दिया जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था. आई वॉन्टेड टू बी आइदर अ फौजी और आई वॉन्टेड टू बी अ फिल्म एक्टर एंड डायरेक्टर. तो वहां गए, वहां फिर जरा सी आजादी मिली. हॉस्टल में जब रहने लगे टाटास में, आई वाज डूइंग टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग. तो उस वक्त अनाउंस हुआ 61 के एंड में और 61 के एंड में कि इमरजेंसी थी और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि यंगस्टर्स शुड जॉइन आर्मी. तो ऐसा लगा जैसे एकदम बिना पेरेंट्स के पूछे, क्योंकि वहाँ आज़ादी थी, कहाँ दिल्ली में हम रहते थे, कहाँ जमशेदपुर, काफ़ी दूर था, 1000 मील दूर, तो कोई कनेक्शन ही नहीं था. और लेटर भी 3-3, 4-4 दिनों में एक बार पहुँचता था. हालांकि ये जो अभी हम जिस सिस्टम से बात कर रहे हैं, इमीडिएटली यू जस्ट प्रेस द बटन एंड यू आर देयर विद डॉक्टर हरलीन टॉकिंग, उस वक्त ऐसा नहीं था. हर दिन से बात करने के लिए 4 दिन लग जाते, इवन फोन पे भी हम लोग कर. तो खैर जी, वहाँ पहुंच गए. वहां पर फिर माँ बाप तो थे नहीं देखने वाले, तो हम 60 स्टूडेंट्स वहां से आर्मी ज्वाइन कर दिए. सो आई रिमेन देयर फॉर 6-7 ईयर्स ड्यूरिंग द एमरजेंसी पीरियड एंड आई वॉज इन आर्टिलरी एंड वी फॉट 2 वॉर्स.
वन वाज चाइना इन 62 एंड 65 में पाकिस्तान वॉर, तो वो एक दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई दैट आई वाज अ फौजी, बिकॉज मेरे जितने अंकल्स थे सब फौजी थे एंड आई वाज फैसिनेटेड विद फौज. उसके बाद वापस आए तो फिर इंजीनियरिंग में वहीं पर हमको जॉब भी मिल गई, अच्छे खासे कमाते थे. उसके बाद वहां से ट्रांसफर बॉम्बे हुई, जब बॉम्बे हेड ऑफिस में हुई टाटा में, तो ये दूसरा सिलसिला चालू हो गया कि भाई ये भी लाइन मेरी फेवरेट थी. सो आई ऑप्टेड टू जॉइन इन 74 यस आई ऑप्टेड टू जॉइन एज असिस्टेंट डायरेक्टर. हजारों की तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ के 200 रुपए महीने की तनख्वाह पे मैंने एज असिस्टेंट ज्वाइन किया. उसके साथ ही मैं मॉडलिंग भी करता था, डॉक्यूमेंट्रीज करता था, दूरदर्शन के प्लेज करता था. आपने बहुत सारी एड फिल्म्स में लिरिक्स भी दिए हैं आई थिंक, हां जो मैंने आपके बारे में पढ़ा है. ओके, वो बाद में तो ये करते कराते उसके बाद फिर आई असिस्टेड पिक्चर्स लाइक लैला मजनू व्हिच वाज सुपर हिट ऋषि कपूर की, देन लव स्टोरी सत्यम शिवम राज साहब के साथ थोड़ी देर, एंड देन उसके बाद इन 1977 में तो आई डायरेक्टेड फिल्म 20 मिनट्स फिल्म फॉर दूरदर्शन, एंड एट दैट टाइम वी यूज्ड टू शूट ऑन 16 मिलीमीटर 16 mm फॉर्मेट. देयर वाज नो वीडियो और यूमैटिक. ओके, फिर 78 में बर्निंग ट्रेन बन रही थी चोपड़ा साहब की, तो आई was in the acting team, assistant of Vinod Khanna, usme assistant engineer bana tha railways mein, aur wahan se fir I joined Ravi Chopra and B.R. Chopra as assistant director also, and then I took over their advertising department as general manager of B.R. ads, B.R. films ke saath B.R. ads, so we used to make a lot of ad films. I must have directed hundreds of ad films myself. Okay. तो उसके बाद हाँ उसमें jingles, original jingles भी लिखने का शौक था. उसी jingle के शौक ने बाद में फिर मुझे song writer भी बना दिया, because now I write songs and kavitas also. तो and then I started in BR films. I started casting. I started associating in films. I started associating in TV serials. नए नए आए थे और पहली बार I cast for some film was इंसाफ का तराजू. विमल क्वीन जब जीनत अमान को बनाया जाता है तो उस इतनी मिस इंडिया थी, उनको उनके सामने साथ में लाए थे और that was my first assignment. Okay. उसके बाद वहां से वो कास्टिंग का सिलसिला चल पड़ा, आते आते वो महाभारत तक आ गया. सो साइमल्टेनियसली आई यूज्ड टू गेट परमिशन फ्रॉम माय बॉसेस टू एक्ट इनसाइड इन हाउस एक्टर आल्सो एंड आउटसाइड आल्सो, सो दैट्स हाउ दिस इट स्टार्टेड. सो काफी पापड़ बेले हैं. नहीं, बहुत वैरायटी दी है, बहुत कुछ आपको लाइक आता है, बहुत कुछ आपने किया है इंडस्ट्री में, इट्स नॉट जस्ट एक्टिंग. बात करते हैं शकुनी मामा रोल की, लाइक वो आपको लाइक कैसा लगा जब आप उस रोल को कर रहे थे, लाइक क्या आपके मन में भी उस वक्त क्या फीलिंग्स आती थी, और जो लोग थे जो आपको देख रहे हैं वो तो ऑफ कोर्स आप लाइक न्यूज में भी आ रहा है अभी भी कि आपको बहुत देर तक कई बार लेटर भी आते रहते थे कुछ लोगों के कि वो आपका वो रोल जो नेगेटिव रोल है उसके लिए वो अभी भी गुस्सा है वहां से. नहीं, दे यूज़ टू लव टू हेट मी. दे काफ़ी लोगों ने मुझे प्यार भी दिया है उस नेगेटिव रोल के कारण, और उसका अच्छा भी मिला है और बुरा भी मिला है, क्योंकि किसी हॉलीवुड बहुत बड़े एक्टर ने डायरेक्टर ने ये कहा था कि आप अपनी अगर छाप छोड़ दें एक आप किसी तरह की भी नेगेटिव और पॉजिटिव, देन पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन यू, जनता आपको पसंद करने लगती है, प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स दे हैव फेथ इन यू कि अगर आपने वो इतना अच्छा कर लिया है तो ये भी अच्छा करेंगे. तो स्टैंप लगनी आई बिलीव इज वेरी गुड. एक स्टैंप लग जाए उसके बाद आपका रास्ता खुल जाता है, थोड़ा पाथ बिकम्स लिटिल इजी.
अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी बिग स्ट्रगल, ह्यूज स्ट्रगल. उस जमाने में भी स्ट्रगल थी लेकिन इतनी नहीं थी जो आज के जमाने में, क्योंकि आज हम देखते हैं ना ऑडिशंस के लिए हजारों की भीड़, यू नो इतने बच्चे आ गए हैं. उस वक्त तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजता भी नहीं था, वो कहते सी वो की तुसी बनन जा रहे हो ते जट बनने मरासी यू आर गोइंग देयर टू एंड डूइंग दिस जॉब, तो इस तरह करके यू नो दे यूज्ड टू they never used to like. इसी करके आप देखते हैं कि पहले पंजाबी हीरोइंस बिल्कुल नहीं होती थी, साउथ की होती थी या बंगाल की होती थी. अभी पे पंजाबी हीरोइंस बहुत आ गई हैं, लेकिन पंजाबी हीरोज सारे हीरोज पंजाबी होते थे बिकॉज दे वर वेरी हैंडसम गुड लुकिंग गाइस, तो एक से एक बढ़कर थे. चाहे दिलीप साहब ले लो, आप राज कपूर ले लो, शम्मी कपूर ले लो, अभी राजकुमार ले लो, धर्मेंद्र साहब का तो जवाब ही नहीं था. तो जितने हीरोज थे वो नॉर्थ के थे और जितनी हीरोइंस आती थी वो साउथ की आती थी. तो इस तरह सिलसिला चल पड़ा, तो करते कराते ये शकुनी का जब रोल मिला तो शकुनी के लिए जो थोड़ा बहुत रिसर्च किया वो मैंने लंगड़ापन वंगड़ापन सब डाल दिया तो काफी पसंद आया लोगों को. And everybody appreciated, yeah. And that's how you know. Even it's telecasting again. yeah, it's going on air again. और सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. मतलब जो नहीं देख पाए थे वो भी देख रहे हैं. तो आप जब पासे फेंकते थे तो जो नम जो चाहते थे आप वही आता था like. अब डॉक्टर साहब आप बहुत बड़ी क्या क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजर है ना? yeah, I'm a tarot reader. अरे टैरो रीडर हैं तो टैरो रीडर हैं तो आपको तो पता है कि अंदर क्या क्या बात होती है. चलो ठीक है. यस उसका ऐसा था कि इसको वरदान मिला हुआ था कि इसके बाप की हड्डियां थी. सो ही वॉज ये जिसे बोलते हैं ना कि काला मंत्र या क्या कहते हैं उस विद्या को जो उसको हासिल था, तो अपने बाप की हड्डियों से खेलता था जो ये चाहता. एंड एक्चुअली इट्स ओनली टेक्नोलॉजी यार, ऐसा नहीं है. मेरे भी कोई ऐसा दम नहीं है. आई कांट हार्डली प्ले कार्ड्स आल्सो, तो मुझे जुआ शुआ तो बहुत दूर है मेरे से. नहीं नहीं आपको बहुत बहुत लाइक जो एक्टिंग थी इतनी फाइन इतनी क्रिस्प थी कि वो ऐसा लगता था कि हम सामने जिसको देख रहे हैं वो सच में ही ऐसा है. मतलब वो आपके लिए भी वो इमेज बन जाएगी कि आप ऐसे ही है. बड़े स्टार कोई बीच में आए, आप सबसे मिले थे, सबके साथ आप फोटोग्राफ खिंचा रहे थे दैट टाइम. लाइक वो एक सेल्फी की बाढ़ आई हुई थी, एवरीवन वाज लाइक आफ्टर यू के फोटो खींचनी आपके साथ. हां आजकल वो सेल्फी की आई हुई है. एक जमाने में तो फोटोग्राफर को ढूंढते थे और वो बेचारा जब तक नहीं आता था एकदम खड़ा रहता था. आजकल तो एवरी सेकंड से एवरीबॉडी इज अ फोटोग्राफर. या और आप बताइए अपने बारे में लाइक अब क्या-क्या या फिर अब क्या आपके आगे प्लान्स हैं और आपको अब कैसा दिखता है कि जैसे अब जो स्टूडियो है वो इतना चेंज हो गए हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, क्रोमास का टाइम है, तो अभी कैसा लगता है लाइक आपको वो टाइम ज्यादा अच्छा लगता था या अभी जो सब काम किया जा रहा है? ओल्डन डेज एंड सब्जेक्ट्स आर नॉट एज क्लासी एट देयर बिकॉज पुराने जमाने में क्या होता था, पीपल यूज टू हैव समथिंग टू से टू सोसाइटी, कोई मैसेज होता था, कुछ करना होता था, समथिंग टू से. बट टुडे यू नो मैसेज कम होता है एंड पावरफुली लिखा नहीं होता. आई एम ओनली डिस्टर्ब यू नो बिकॉज बहुत जल्दी, हाँ रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है फिल्मों का. इधर आए और कई फिल्में हैं जो छोटी भी हैं लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बन के दिखाया. तो इट्स अगर अगर राइटिंग स्ट्रांग होगी बिकॉज जो हमने गुरुओं से सीखा है कि
film is made on two tables, writing table and editing table. उसके बीच वाला सारा प्रोसेस हो जाता है somehow. But these two tables are very, very important. These two guys have to be very, very smart, very good in outlook, and they should have thorough knowledge of everything. तभी आपकी फिल्म जो है एक अच्छा सिनेमा बन सकता है, एक अच्छी चीज बन सकती है, शाकार बन सकती है. भाई मुगले आजम, मतलब मुगले आजम को आज भी देखिए अब नई लगती है. मदर इंडिया आज भी देखिए नई लगती है. वक्त आज भी देखिए नई लगती है. 420 राज साहब की कितनी फिल्में हैं. अच्छी चीज बनाएंगे, अच्छी तरह एडिट करेंगे. ये बात है सोचने वाली कि उस वक्त की जो चीजें थी वो अभी भी न्यू लगती हैं और अभी कई बार होता है कुछ मूवीज या सीरियल आते हैं. एंड ऑल दोस पीपल यूज्ड टू ट्राई के भाई कोई समाज को कुछ दें, कुछ सम गुड थिंग, यू नो इट इज, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है. yeah. कि हमको अगर समाज इज्जत देता है तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी समाज को कुछ लौट आके दें. Yeah. Something, you know, it is yeah, because people follow you and like they why I met you, I think we met at Haryana met in award function. Yeah, I was also the guest there. Main awards de rahi thi aur hum stage pe the ek saath. Aap le bhi rahe the shayad award aapko mila tha? I was giving my main awards de rahi thi. अच्छा हाँ, तो हम क्यों, हमें जाने की क्या जरूरत थी? हम इसलिए गए थे ना कि कोई अच्छा काम हो रहा था. अच्छा, या और फिर लोग ऐसे ही इंस्पायर भी होते हैं, लाइक आपसे जब मिलते हैं, आपकी स्टोरी सुनते हैं तो पता चलता है कि वाओ ये सब किया या इतना इजी नहीं था जैसे कि अब आप जहाँ पर हो. बिकॉज कई बार सबको लगता है कि इट्स वेरी इजी, हम लोग भी ऐसे जाना चाहते हैं. बट नहीं, इजी तो कोई नहीं है साहब. कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन. आप कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, और तभी फल पीछे से अपने आप आशीर्वाद मिल जाता है. ऐसी कोई बात जी जरूर. बट आपका जो ड्रीम था, आपका जो हॉबी था या जो आप करना चाह रहे थे, आपने वो कर लिया, वो अचीव कर लिया, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे सबको कि वो अचीव करना उसके पीछे क्या था, वो ड्रीम, वो विजन या फोकस? ओनली फोकस, ओनली हार्ड वर्क, नथिंग एल्स. मैंने कोशिश की जहां तक हो सकता था. हालांकि दिस लाइन इज, इट्स लाइक एन ओशन. आप जितना डीप जाते जाएं ये एंडिंग अनएंडिंग है. और हमने सिनेमा को जानने की कोशिश की इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, वेदर इन स्टोरी टेलिंग और इन डायरेक्शन और इन राइटिंग और इन प्रोडक्शन और इन प्रोडक्शन वैल्यूज और इन म्यूजिक, एवरीथिंग, हर एक चीज का जो है आपको पता होना चाहिए कि क्या 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 लगता है. आपको पता होनी चाहिए कि किस तकलीफों से गुजर के एक आदमी जो है पिक्चर बनाता है, कैसे आर्टिस्ट वहां पे आता है, कैसे बनता है. इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी. अगर कोई समझता है कि इजी है, नहीं, इट्स नॉट लेस देन अ सोल्जर. आई हैव अटेंडेड बोथ थिंग्स. मैं सोल्जर भी रहा हूँ, मैं एक साधारण सिविलियन एज ए इंजीनियर भी रहा हूँ, और मैंने ये भी देखा है ये किसी से कम नहीं है. ये भी लड़ाई है हम लोग जो करते हैं, ये महायुद्ध है. Always ready to face the war, you know. This was the photograph. We were there at an award function. Oh yes. Went there. So, बहुत अच्छा लगता है because जब आपकी स्टोरी सुनते हैं या जब बताते हैं सबको, जैसे पेरेंट्स बच्चों को किसी किसी की मोटिवेशनल स्टोरी बताते हैं ना कि ऐसा ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा किया, तो इट्स ऑलवेज गुड. मैं यही सोचती हूँ कि मोटिवेशनल जब हम लाइफ स्टोरीज देखते हैं या सुनते हैं ना, वो ज्यादा इंस्पायर करता है. तो आजकल बहुत लोग हैं जो एक्टिंग में जाना चाहते हैं, राइटिंग कर रहे हैं, म्यूजिक में हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? हार्ड वर्क, नथिंग एल्स. गो ऑन मीटिंग पीपल, देयर इज नो प्रॉब्लम. आप कभी ना कभी, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है. आपको पहले अपने आप को सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर का खाना और आपकी आपका रहना, रोटी कपड़ा मकान, अगर आप सेफ हैं उस ओर से, तो यू कैन डेफिनेटली डू द स्ट्रगल, बिकॉज कंपटीशन इज वेरी बिग. एंड हियर जो न्यू कमर्स के लिए एक ही एडवाइस है कि बेटा, आप जितना भी टैलेंटेड हो, जितने भी हैंडसम हो, जितने ब्यूटिफुल हो, द क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन ग्रेड पे आता है योर ये
फेट, लक। अगर आप लकी नहीं तो आप जितने भी टैलेंटेड हैं, जितने भी हैंडसम हैं, जितने भी ब्यूटीफुल हैं, यू आर नोवेयर। अगर आपका लक साथ होगा तो यू कैन बी समवेयर। आप चाहे बेवकूफ हो, आप कोई पर्सनालिटी ना हो, फिर भी आप बन सकते हैं। ऐसे हमने देखे हैं पूरे लाइफ में। तो सबसे पहले आप दुआ करो कि भाई भगवान आप मुझे कैसा भी बना, लेकिन मुझे लक सबसे नंबर वन दे दे बस। जी जरूर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, बिकॉज इतना कुछ आपके बारे में भी जाना, और आपने स्टडीज में भी बहुत अच्छा किया, एक्सेल किया, इंजीनियरिंग भी की, आप आर्मी में भी आपने आप गए, आपकी जो जो ड्रीम्स थे वो भी पूरे किए आपने, और अपने पेरेंट्स के भी आपने ड्रीम्स पूरे किए, मतलब लाइक एन आइडियल सन इवन, आपने जो आपके फादर चाहते थे आपने वो भी किया। आई हैव रिटन अ बुक ऑन माय पोएम्स, यू नो। कुछ लकीरें टेढ़ी मेढ़ी सी। दिस इज माय सो गुड सो लाइक ये भी है, कर लेते हैं कुछ ना कुछ, यू नो, रोज एक पर्सन में इतना टैलेंट। आपके आपके जो अरुण बख्शी कल आए हुए थे, उनका अगला गाना मैं ही लिख रहा हूँ। बहुत अच्छा वो भी गाते हैं, और आप उनके लिए लिख रहे हैं वो भी बहुत बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वही आप जैसे बता रहे थे राइटिंग इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, फर्स्ट स्टेप वही है, लिखा हुआ क्या है, और ठीक है जो गाना गा रहे हैं उतना ही है, बट फर्स्ट स्टेप इज राइटिंग। आपने बहुत सारी आर्ट फिल्म्स में भी लिखा है, उसके लिए भी किया, इतनी वैरायटी एक पर्सन में, इतना सारा टैलेंट जो हर कोई नहीं जानता, छुपा हुआ है, आप बहुत कुछ पर्दे के पीछे भी कर रहे हैं जो सामने नहीं दिखता है, बट यू आर देयर। मैंने एक छोटा सा वन लाइनर आपको भेजा था अपने बारे में, थोड़ा सा या वो पढ़ा कि नहीं आपने? या ऑफ कोर्स मैंने पढ़ा, और मैंने बहुत सारी रिसर्च भी की आपके बारे में, उसी से मुझे पता चला इंजीनियरिंग का, आर्मी का, आपका पूरा एक हिस्ट्री, क्या क्या कैसे कैसे आपने किया, बिकॉज मैं बहुत इंटरेस्टेड थी कि इतना नेगेटिव रोल करने के बाद भी इतना कुछ किया हुआ है आपने, सब लोग आपको शकुनी मामा ज्यादा जानते हैं, मगर पर्दे के पीछे आप बहुत कुछ करते हैं, लिखना, एड्स, राइटिंग, कास्टिंग डायरेक्टर। बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ? एसोसिएट डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिजाइनर, बी आर चोपड़ा महाभारत के लिए, आपने 85 फिल्म्स में एक्ट किया है, प्लेंटी ऑफ सीरियल्स दूरदर्शन, वो तो हमने देखे ही हैं, बहुत जगह आप दिखते रहे हैं। एक पर्सन होता है जो सिर्फ लिखता है, एक्ट नहीं करते हैं, बट आप फाइन एक्टिंग, सुपर्ब एक्टिंग, बहुत बहुत अच्छा काम। तो कितना अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, बिकॉज आजकल आपको रोज हम लाइव भी देख ही रहे हैं, और सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, जैसे ही आपका एक्ट आता है थोड़ा सा कुछ करके दिखाएंगे आप। हाँ जी, सब कुछ एक जैसा नहीं होता अंगराज, एक जैसा नहीं होता। आप तो विपदाओं का विश्लेषण भी नहीं करते, और मैं परिणामों के आगे तक पहुंचने का प्रयत्न करता हूं। मेरा भांजा दुर्योधन, उसे तो नेत्रहीनता धरोहर में मिली है, जीजा श्री तो अंधे हैं ही, और मेरी बहन गांधारी ने नेत्रहीनता ओढ़ रखी है। परंतु तुम्हें क्या हो गया है भांजे अंगराज, हैं? तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा निहित स्वार्थ तो दुर्योधन के लिए ही है ना, ना कि उसके ना होने पे। परंतु तुम चुप क्यों हो? मेरी इन बूढ़ी आंखों ने
असंभव के संभव और संभव के असंभव होते कई खेल देखे हैं। जीतता तो मैं हूं परंतु विजय विजय पवन की भांति मेरी पकड़ में नहीं आती, मीन की भांति छिटक जाती है मेरे हाथों से। पांडवों के वनवास का समय समाप्त हो रहा है और अब उनके अज्ञातवास ही मेरा आखिरी दांव है। और इधर मैं देख रहा हूं कि मेरा भांजा दुर्योधन मुझ पे विश्वास ही नहीं करता विश्वास, मुझसे प्रश्न करने लगा है अंगराज प्रश्न। इसीलिए मैंने तुम्हें आज बुलाया है कि तुम उसे कहो कि गुप्तचर भेजे। गुप्तचर भेजे क्योंकि यदि हमने पांडवों को इस एक वर्ष में कहीं खोज ना पाया तो अगले वर्ष के अगले मोड़ पर ही युद्ध निश्चित है। अगर आज मुझे तुम लोगों की वीरता पर कोई संदेह नहीं, परंतु युद्ध फिर भी युद्ध होता है और मैं अपने भांजे को हारता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि ये युद्ध बिना लड़े ही मेरा दुर्योधन पांडवों से जीत जाए। इसलिए उसे समझाओ कि गुप्तचर का भेजना कितना आवश्यक है अंगराज, और इससे पहले कि पांडव सर्प की तरह किसी बिल में जा छिपे उन्हें खोज लो अंगराज, उन्हें खोज लो। हाँ खोज लो। Superb, like, oh my God. ऐसा लग रहा है कि हम शूटिंग देख रहे हैं। My God, इसीलिए ये ही है। It's not like destiny, तो बहुत छोटी चीज है। It's like your talent, your acting. इतना अच्छा किया आपने और आपको इतने सारा डायलॉग आपको बाय हार्ट है, लाइक अभी भी वही पावर, कहीं अटकना नहीं, वन शॉट, लाइक ओ माय गॉड, बहुत अच्छा। और वो नहीं कि भांजे ये दिन कैसे लग रहे हैं भांजे, अब तुम्हारे और तुम्हारे युवराज पद के बीच केवल 3 दिन की दूरी है और ये 3 दिन की दूरी कोई दूरी नहीं होती। यदि तुम चाहो तो इस 3rd दिन को हाक बढ़ाकर छू सकते हो जो तुम्हारे भविष्य का द्वारपाल बनने वाला है। आंखें मूंद करके कल्पना करो भांजे, जब लक्षग्रह धाए धाए जल रहा है और वो पांचों कुंती पुत्र इधर से उधर उधर से इधर एक चूहे की भांति भाग रहे हैं, परंतु उन्हें बिल नहीं मिलेगा क्योंकि पुरोचन ने बिल बनाया ही नहीं। पावरा वाह, मेरे को ऐसे लगा मैं भी लाइव शूटिंग ही देख रही हूँ, लाइक आप ड्रेस में नहीं है बट मैं आपको कनेक्ट कर पा रही हूँ बिकॉज़ मेरे सामने आपकी फोटो भी है। वाह सुपर, बहुत लाइक एक्सप्रेशंस, इसीलिए आपको लोग इतना प्यार करते हैं, लाइक थैंक यू वेरी मच। इट्स रियल टैलेंट, यू नो, ये वो नहीं होता कि सीखने से नहीं आता, इट्स रियल टैलेंट। इतने अच्छे लोगों के सामने मुस्कुराहट हो तो और दिल करता है करें। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच आपने बात की, अपने बारे में बताए, तो अच्छा भी एक्ट करके दिखाया, अब देख रहे हैं उसको, बट अब वो सीन देखते देखते ये याद आएगा लाइक जो आपने लाइव करके दिखाया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, और जल्दी आपसे दोबारा मिलूंगी इन अनदर शो। हाँ मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा और मुझे भी लिंक भेज दीजिए, मैं भी अपने दोस्तों में भेज दूंगा। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल अ वेरी वेरी ब्लेसेंट लाइफ। आई नीड योर ब्लेसिंग्स ऑलवेज। हाँ आप लोग डॉक्टर साहब और सारे मेरे जितने दोस्त हैं, भांजे भांजियां हैं, मामा पापा हैं, अंकल आंटियां हैं, ये सब अपने आप को कोरोना से बचा के रखिए, डेडली रोग है क्योंकि यहाँ पर आप जब तक कोरोना को घर में इनवाइट नहीं करते कोरोना आता नहीं, शरीफ आदमी है तो, लेकिन इस शरीफ आदमी भयंकर भी बहुत है, इसलिए घर में मत इनवाइट करो,
एक बार घर में घुसा तो फिर उसके बाद आपको लेके जाएगा. तो बी केयरफुल, बी होम, बी सेफ. यस सर, यू आल्सो टेक केयर. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर, बाय.